हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब ठीक है। वेलकम बैक टू आरिव लामचंद्स ब्लॉग। देखिए आज हम क्या खा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्न पकोड़ा। दिस इज कॉर्न का टिक्का, जो कॉर्न रहते ना, मकई कॉर्न, उसका बना हुआ है ये कॉर्न टिक्का। इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भेज देना, आपको बता देंगे हम। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ, ये कॉर्न पकोड़ा है जो हम लोग बॉईल करके कॉर्न्स खाते हैं, या तो पिक्चर देखने जाते हैं तभी हम खाते हैं, उसके बॉईल करके हम वो बनते हैं ना मखाना उस टाइप, वैसे आज इसका बना है टिक्की। जैसे उस दिन बना था पनीर टिक्की, वैसे ये कॉर्न टिक्की है। ये वर्षा की रेसिपी है गाइस। अब डोंट नो उसने कैसे बनाया है, लेकिन यदि अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसको बोलूँगी आपको आपके साथ रेसिपी शेयर करें। और ये रही बढ़िया सी चाय। आज संडे है ना गाइस, इसलिए वो थोड़ा लेट आई है और हम भी लेट ही उठे आज। देखिए हमारा ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में हो चुका था। दिस इज़ लाइक, अभी हम ये खा रहे हैं, लंच नहीं करेंगे हम लोग, यही खाएंगे। ये देखिए हमारा, और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एकादशी आप सबको। आज मैंने कैलेंडर में देखा है, सब जगह देखा है, आज एकादशी है। माउली करे हम सबको धन धान्य सुख समृद्धि सौख्य स्वास्थ्य लाभ विठोबा करूँ। हम सबको, हमारे जो दुश्मन हैं उनको भी, हम जो है उनको भी, हमारे ट्रोलर्स को भी, हमारे अपनों को भी, हमारे ट्रोलर्स को, हमारे दुश्मनों को, सबको जाने दो, छोड़ो, सबके लिए अच्छा ही सोचो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट बुरा सोचने के लिए। ये देखिए कार, ये देखिए हमारा आरिव। आरिव हाय, आरिव से हाय टू गाइस। आरिव, ये आरिव इज क्वाइट बिजी गाइस, ही इज ऑलवेज वॉचिंग देव एंड एवा। जैसे कि अभी जल्दी से SSC एग्जामिनेशन में बैठेगा और फर्स्ट टॉपर बनेगा। मुझे बोलता है मम्मा मुझे टॉपर बनना है, उसकी डॉक्टर मम्मा के जैसा, उसको देखते रहता है ना, उसको फॉलो करता है, मम्मा को फॉलो नहीं करता वो, उसको डॉक्टर मम्मा की तरह, उसकी मासी उसके जैसा, उसको टॉपर बनना है। देखिए पड़ाकू है उसकी मासी की जैसा। ये देखिए गाइस, ये कौन है, ये देखिए, पूजा हो चुकी है, ये देखिए गाइस, हैप्पी एकादशी, मैं विठोबा के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए पूजा हो चुकी है। ये रहा आज का क्लाइमेट, बहुत तेज बारिश आ रही थी गाइस, देखिए ये देखिए इतनी तेज बारिश आ रही थी, फुल ग्रीन हो गया है, रास्ता भी गीला है। ये देखिए गाइस, मैं एक बार भी बारिश में भीगी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं भीगी। मैं चाहती तो मैं भीग सकती हूँ, लेकिन मैं जब भी नीचे जाती हूँ बारिश कम हो जाती है, नहीं तो नहीं आती। ये देखिए कितनी बारिश आ रही है गाइस, जैसे मैं आप सबसे बात कर रही हूँ ना, देखिए दिखाई दे रहा है ना आप सबको, वाओ सच अ ब्यूटीफुल रेन। देखिए गाइस, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। वॉच टाइम मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने मेरा वॉच टाइम बढ़ाया है, आप मेरे वीडियोस पसंद करने लगे हो, शुरू से लेकर एंडिंग तक आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, उसके लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। देखो ना गाइस, हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, भले हम स्लो और स्टेडी चल रहे हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट होगा ना, एक दिन ज़रूर मैं कामयाब होगी, इंशाल्लाह आमीन, ज़रूर होंगी, ज़रूर, मुझे यकीन है कि मेरे फ़ैन लोग का सपोर्ट रहा मेरे यूट्यूबर बनने में, उन्हीं का हाथ है। अगर आप, मेरी फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होगी, भले स्लो एंड स्टडी, लेकिन ज़रूर, कोई नहीं, मेरे पास बहुत पेशेंस है, मैंने आज तक पेशेंस ही रखा है, और भगवान ने थोड़ा बहुत क्यों ना हो मेरा अच्छा ही किया है, कहीं बुरा नहीं है। कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते, कभी कभी मौसम बारिश भी करा देता है, जैसे ये बारिश होती है ना, वैसे अपने लाइफस्टाइल में भी बारिश होने लगती है, फिर कुछ मिलता है कुछ खो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं, ऐसी क्या फील करे किसको क्या पता, सही फील करे सानू की। और बताइए गाइस, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। आज का वीकेंड एंजॉय कीजिए, घर वालों के साथ घूमने जाइए, किड्स के साथ मस्ती कीजिए। अगर आप लोग स्ट्रेस्ड आउट हो गाइस, तो मैं आपको बताऊँ गाइस, मैं कौन होती हूँ बताने वाली, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आपको,
जब भी आप लोग स्ट्रेस्ड आउट हो ना, या उदास हो, या वॉट एवर मे बी, अपने छोटे छोटे आपके बच्चे होंगे ना, बच्चों के फेस पे देखना, उनके साथ मस्ती करना, डांस करना, एंजॉय करना उनके साथ. अब यू एक्चुअली हमारे स्ट्रेस बस्टर हमारे बच्चे हैं. हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं ना, हमारे बच्चे हमारे साथ खेलते हैं ना. जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ ना, या मुझे बहुत कभी हर्ट होता है या रोने आता है, भैया मैं ऐसी हूँ, मूड स्विंग्स है मेरे में बहुत. तो लेकिन मैं जब भी आरिफ को देखती हूँ, आरिफ के साथ डांस करती हूँ, ही वॉज लाइक ऑलवेज ट्राइंग टू पुल मी फॉर अ डांस, म्यूजिक, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला, दैट टाइम आई फील सो ग्रेट, फील सो नाइस. एक्चुअली बच्चे हमारा स्ट्रेस बस्टर है. जब भी हमें ऐसा कुछ फील हो ना, बिजनेस में टेंशन है, नौकरी में टेंशन है, या किसी भी चीज़ में, हमें किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत. हमारा हीलर हमारा हमारे बच्चे है, हमारा परमात्मा है. जिसके छोटे छोटे बच्चे वो काफ़ी लकी है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस बस्टर, हमारा सब कुछ हमारे बच्चे ही है, वो ही हमें हील करते हैं. फालतू में हम इसको उसको इतना पैसा क्यों दें, हमारा वक्त क्यों बर्बाद करें. उससे अच्छा हम अपने बच्चों को उसी पैसों से कुछ कुछ दे दें, उनका अच्छा करें, क्योंकि हमारी कमाई मेहनत की कमाई रहती है, ठीक है ना. तो हम किसी और का प्रॉफिट क्यों कराएं. इसलिए हम अपने बच्चे को ही हमारा हीलर बनाएं, और हमारे बच्चे ही हमारा स्ट्रेस बस्टर हो. हमें किसी से कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के हीलर लोगों को बहुत भाव चढ़ गया है भाई. ज़्यादा इज्जत देंगे ना, वो ज़्यादा हम लोग की लेंगे. उससे अच्छा हम अपने इसमें ही रहे, वही सही है. हम खुद भी सीख सकते हैं, आजकल कितना आगे गया है सब कुछ. हम कुछ भी खुद भी लर्न कर सकते हैं. कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं जो हमें सिखाते हैं, बोलते हैं. देखिए चलो मैं बाद में कनेक्ट करती हूँ. मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और आगे कमेंट. ये ले लीजिए, चटनी भी आ गई हमारी. ये कौन सी चटनी है वर्षा? ओ दैट्स नाइस. देखिए गाइस, इसके साथ चटनी भी अच्छी लगेगी आपको. देखिए ये देखिए, वाओ इट्स क्वाइट यम्मी. देख रहे हैं गाइस? चलो मैं आप लोग को एक खिला. गाइस ये बिल्कुल ऑयली नहीं है, इसको शैलो किया है, तो टेंशन मत लो. आप बोलोगे इतना तेल वाला खाती है इसलिए मोटी है. नहीं, इधर कोई सिस्टम तेल वाला नहीं रहता, ये शैलो फ्राई. ये लिए आ कीजिए गाइस, आ. ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, आपकी करिश्मा की तरफ से, आरिफ की तरफ से. मैंने खाया नहीं, अभी देखती हूँ. ये देखिए मेरा बेटा, ये देखिए, ये शैतान मॉन्स्टर. आरिफ, आरिफ, ए आरिफ, कोलू, ए कोलू, मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है गाइस, खड़ा रह रहा है. एक एक हरकते देखो उसकी, ही लव बारिश. एक्चुअली जो जो इसकी मम्मा को पसंद है, इसको वो सब पसंद है. ही लव बीचेस, ही लव बारिश, जो जो पानी वाली. अर्लियर वो जब छोटा था, इन्फेंट था, तभी उसको नहीं पसंद था, लेकिन जैसे जैसे ग्रो अप हो रहा है, वैसे वैसे जो जो मम्मा को पसंद है, ये वो उसको पसंद है. ऐसा है ये. सबको लगता था हस्बैंड की तरह दिखता है तो हस्बैंड की तरह बनेगा. नहीं, अभी उसकी सारी पसंद मम्मा की तरह गुस्सा है उसमें, मम्मा की तरह उसकी पसंद है. मम्मा की तरह वो किसी से झूठ नहीं सुन सकता, उसको गुस्सा आता है अगर उसकी मनमानी पूरी ना हो अच्छे के लिए. उसको झूठ से नफरत है मम्मा की तरह, उससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो पकड़ लेता है, ऐसा है वो. और बटरिंग भी मम्मा की तरह ही करता है वो. नहीं, मम्मा बटरिंग नहीं करती. मम्मा बटरिंग सिर्फ उसके बोलते हैं ना, परमात्मा को करती है, और किसी को बटरिंग नहीं करने की ज़रूरत है मम्मा को. ये देखिए, ही इज़ वॉचिंग देव एंड एवा. कितना पढ़ाई करेगा आरू, सुबह से पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा. देखिए, आपको लगता है मैं सिर्फ उससे शूट कराती हूँ गाइस? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट मॉम. अगर मैं उसको खुशी दे सकती हूँ या मैं उससे एंजॉय करा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे स्टडीज़ नहीं कराती. उसको मैं बहुत स्टडीज़ कराती हूँ, और वो खुद जानता है, अगर स्टडीज़ करेगा तो नाम होगा, सब कुछ मिलेगा, और कायदे में रहेगा तो फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं है. यूट्यूब वगैरह सब सही है, बट करियर इसमें नहीं है. उसका ड्रीम कुछ अलग है, उसको कुछ और बनना है, बनाना है.
तो ये तो ठीक है, ये मेरे लिए बेचारा शूट कर रहा है। हाय बोल, कैसा बना है? बड़ा अच्छा बनाया ना मैंने, थैंक यू। ये देखिए मेथी की सब्जी बनाया उसने ही है, लेकिन मैं अपना नाम दे देती हूँ। ये देखिए मेथी की सब्जी, और ये रहा मेरा आर्यू। आर्यू का चलो गाइस, मैं बाद में मैं कनेक्ट करती हूँ आप लोगों से। शुरू से लेकर एंड तक मेरा वीडियो देखना अगर पसंद आए तो, और दुआओं में मुझे याद रखना गाइस। और जल्द से जल्द मेरा मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो फेसबुक चैनल और व्हाट यू कॉल दिस यूट्यूब। इसलिए मैं बहुत मेहनत करूँगी, अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग भी मेरी हेल्प करो, सपोर्ट करो मुझे, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकालो, ठीक है? देखो अच्छे अच्छे कमेंट्स बहुत लोगों ने मुझे किए, कितना अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब दुआएं देते हैं लोग, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। जब मोनेटाइजेशन के लिए जाना होगा तब जाएगा, लेकिन दुआओं में बहुत असर रहता है गाइस, इसलिए दुआएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। दुआएं होगी ना तो सब कुछ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है? लव यू, ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय विथ योर किड्स, विथ योर फैमिली, एवरीवन। ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर, लव यू, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और जो भी नए बंदे हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं, उनको पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी यादों के साथ। लव यू, बाय।